हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट के जैसे पोटैटो चीज़ बॉल, वो भी घर पर। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, इसके अंदर से चीज़ कितनी अच्छी तरीके से निकल रही है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने में आपको बिल्कुल भी ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सबकी गायू। तो आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से रेसिपीज को बनाना बताया जाएगा, जिसे देखकर आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो और बना भी सकते हो। तो आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाना बताया है, जिसे देखकर आप आराम से इसे बना सकते हो घर पे और इसे खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 उबले हुए मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। फिर मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए गाजर, बारीक कटे हुए शिमला मिर्च और यहाँ पे मैं बारीक कटे हुए हरा धनिया मैंने लिया है। तो अब फिर मैं इसमें यहाँ पर अपने बारीक कटे हुए सारे गाजर, प्याज, धनिया पत्ता और शिमला मिर्च को ऐसे डाल दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार डालूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी कुटी हुई गोलकी को यहाँ पर डाल दूंगी और फिर मैं इस मिश्रण को अब साइड में रख दूंगी। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना फ्रेंड्स। तो इसे मैंने साइड में रख दिया है। फिर मैंने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, तो आप यहाँ पर ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर प्लेन ब्रेड लिया है। तो अब मैं इसके सारे किनारों को ऐसे काट करके निकाल दूंगी। अगर आप बड़े वाले ब्रेड देते हो तो उसे ले लेना, मेरे पास यहाँ पे छोटी वाली ब्रेड थी तो मैंने इसे ही यूज़ किया है। बड़े वाले ब्रेड लोगे तो ये काफ़ी अच्छे से बनती है, तो मैंने यहाँ पर छोटे वाले ही ले लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने ब्रेड के सारे किनारों को काट लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक मिक्सर जार में ब्रेड के सारे किनारों को ऐसे डाल दूंगी और इसके मैं बारीक एकदम महीन पीस लूँगी, जिससे कि आपका जो ब्रेड का किनारे वाला भाग है वो वेस्ट नहीं होगा। तो यहीं पर मैं इसे अच्छी तरीके से पीस लूँगी। फिर जो हमने आलू का मिश्रण जो तैयार करके रखा था, उसमें हम इसमें उस ब्रेड क्रम्स को डाल देंगे, जिससे कि आपका ब्रेड क्रम्स यूज़ हो जाएगा और जो आपके चीज़ बॉल है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने सारे अपने ब्रेड क्रम्स को यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पे इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। आप चाहो तो आलू को पहले ही मैश कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर ऐसे ही कर लिया। तो यहाँ पर मैं अपने हाथों से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। फिर अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये अच्छी तरीके से बंध जा रही है, दिखने में तो ये टेस्टी अभी लग ही रही है फ्रेंड्स। तो फिर मैंने यहाँ पर चीज़ को ऐसे क्यूब शेप में काट लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर मोजरेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, बट ऐसे चीज़ को क्यूब में काट के आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो फिर मैंने यहाँ पर अपने हाथों में पानी लगाया है, जिससे कि आलू का जो मिश्रण है वो चिपकेंगे नहीं हमारे हाथों में। तो इस तरीके से आलू को आपको दबा के फैला लेना है और एक चीज़ बॉल को मैं इसमें ऐसे डाल दूंगी और इसे अच्छी तरीके से मैं इसे कवर कर दूंगी और अपने हाथों से इसे गोल गोल घुमा के एक गोल शेप दे दूंगी। फिर मैंने यहाँ पर एक ब्रेड का स्लाइस लिया है, तो इसे ऐसे पानी में आपको डुबा करके इसके सारा पानी को निचोड़ लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से ब्रेड का जो सारा पानी है आप इसे निकाल देना। ऐसा करने से कि आपका जो ब्रेड है वो कम तेल पिएंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप डायरेक्ट बनाओगे तो वो चिपकेंगे भी नहीं। और इस तरीके से आलू को बीच में रख करके आप इसे गोल गोल अच्छी तरीके से दबाते हुए एक गोल शेप में दे देना। इसलिए मैंने बोला था कि आप थोड़े से बड़े साइज वाला ब्रेड लोगे तो ये अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे, बट कोई नहीं, मेरे पास छोटे वाले ब्रेड आ गए थे तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से अपने हाथों से इसे दबा करके यूज़ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बने रहे, मैंने बहुत सारे ऐसे टिप्स और भी बताए हैं, जिससे कि आपके जो पोटैटो चीज़ बॉल है बहुत ही अच्छे से बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे अपने बॉल्स को तैयार कर लिया। आप चाहो तो ऐसे प्लेन बॉल्स भी बनाकर तैयार कर सकते हो, बिना ब्रेड को ऐसे ऊपर से चिपकाए हुए। आप डायरेक्ट ब्रेड क्रम्स को आलू में ही डाल करके इसे सान देना। फिर यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म करके अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर कर दिया था। उसके बाद ही आप यहाँ पर अपने चीज़ बॉल को डालें, जिससे कि आपके चीज़ बॉल अंदर तक वो अच्छे से पक जाएंगे। और जब तक अंदर तक आपकी हीट नहीं जाएगी, तब तक आपके चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं होगी। तो इस बात का आप बहुत ही ध्यान देना।
और एक मैं यहाँ पर आपको टिप्स देना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप कभी भी जैसा मैंने यहाँ पर बड़े वाले झंझरे से चलाया था आप बिल्कुल वैसे ना चलाना, आप ऐसे छोटे चम्मच की हेल्प से ही अपने चीज़ बॉल्स को ऐसे पलटना ताकि आपके जो ब्रेड है ना वो निकलेंगे नहीं, क्योंकि मेरा जो एक ब्रेड है वो निकल चुका था, मैं इसे हटाई नहीं क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे बताना चाहती थी दिखा करके ताकि आप ये गलती बिल्कुल ना करो। तो आप ऐसे छोटे चम्मच या छोटे झंझरे से ऐसे करना जिससे कि आपके जो बॉल्स है वो खुलेंगे नहीं और फटेंगे नहीं। और आप पानी जब बनाते चीज़ बॉल बनाते वक्त आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आप इसे अच्छी तरीके से इसमें चिपका दो, अच्छी तरीके से इसे दबा दबा के गोल कर लेना। तो ये अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन के हो चुके हैं तो मैंने उसे निकाल दिया है। अब जो मैंने यहाँ पर प्लेन चीज़ बॉल बनाया था उसे मैं यहाँ पर डाल करके इसे भी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। इसे भी पलटने के लिए आप ऐसे छोटे वाले चम्मच की हेल्प से आप पलट लेना या फिर छोटे वाले आपके पास झंझरे होंगे उनसे पलटना, तो ये आसानी से पलट भी जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तेल में जाने के बाद तो और भी सॉफ्ट हो जाते हैं तो ये टूटने का डर रहता है। तो आप इस तरीके से बनाओगे तो आपके जो पोटैटो चीज़ बोले बिल्कुल भी टूटेंगे फूटेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे से बनेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो मैंने जो वो गलती किया था वो आपको दिखाने के लिए मैंने उसे हटाया नहीं ताकि आप उसे देख करके सीख सको। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन को बहुत बढ़ाता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। सो थैंक यू।